हरियाणा विधानसभा में आज इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और उनके भतीजे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला में आमने सामने की तकरार हुई। मसला था हिसार एयरपोर्ट का। अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि दुष्यंत चौटाला ने अपनी कंपनी के जरिए हिसार एयरपोर्ट के साथ में काफी जमीन खरीदी है और वो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि दुष्यंत चौटाला सबसे बड़े चोर हैं और प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने अभय चौटाला के आरोपों का करारा जवाब देते हुए कहा कि एयरपोर्ट के साथ लगती सड़क के दोनों तरफ की जमीन सरकारी है, ऐसे में उनकी कंपनी के जमीन खरीदने के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी स्पीकर से आग्रह किया कि इस मामले में इंक्वायरी करवाई जाए और झूठा साबित होने पर अभय चौटाला के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आंकड़ों और दस्तावेजों की बात है कि सारी की सारी जमीन फॉरेस्ट विभाग की है और ऐसे में अभय चौटाला के पास कोई दस्तावेज नहीं है जिनमें उनकी कंपनी की जमीन दिखाई गई हो। उन्होंने अभय चौटाला को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर उनके पास कोई सबूत है, कोई दस्तावेज है तो उन्हें पेश करें, नहीं तो अभय चौटाला के खिलाफ उन्होंने स्पीकर से प्रस्ताव भी लाने का आग्रह किया। दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर विधानसभा के अंदर अभय चौटाला का मुंह बंद करने का काम किया। अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला को घेरने की कोशिश की थी और यह दिखाने की कोशिश की थी कि अभय चौटाला भ्रष्टाचार में शामिल हैं और वो एयरपोर्ट के बहाने मोटा मुनाफा कमाने की फिराक में हैं और उन्होंने काफ़ी ज़मीन खरीदी है। लेकिन अभय चौटाला अपनी बातों के, अपने आरोपों के समर्थन में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। अगर वो दस्तावेज पेश करते तो आज दुष्यंत चौटाला के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी, लेकिन अभय चौटाला के आरोप सिर्फ कोरे साबित हुए और दुष्यंत चौटाला ने उनका मुंह बंद करने का काम किया। दुष्यंत चौटाला ने साफ तौर पर कहा कि एयरपोर्ट के रास्ते के दोनों तरफ सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन की खरीद फरोख्त का कोई सवाल ही नहीं उठता और उनकी कंपनी के ज़मीन लेने के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। खरी खरी बात यह है कि अभय चौटाला पिछले 4 साल से दुष्यंत चौटाला की सियासी ग्रोथ को सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि परिवार का सियासी विभाजन होने के बाद जहां वर्षों पुरानी इनेलो का बंटाधार हो गया, वहीं जेजेपी ने 11 महीनों के अंदर ही प्रदेश की सत्ता में हिस्सेदारी हासिल कर ली और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बन गए। इसी खुंदक में अभय चौटाला बार बार दुष्यंत चौटाला को और दिग्विजय चौटाला को घेरने के प्रयासों में रहते हैं और उनके ऊपर आरोपों की बौछार करते आए हैं। लेकिन 4 साल के दौरान अभय चौटाला एक बार भी दुष्यंत चौटाला या दिग्विजय चौटाला के खिलाफ या अजय सिंह चौटाला के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाए हैं, अपने आरोपों को सच साबित नहीं कर पाए हैं, इसलिए बार बार अभय सिंह चौटाला आरोप लगाते हैं और झूठे साबित होते हैं। आज भी विधानसभा में ऐसा ही हुआ। अभय चौटाला ने कहा कि एयरपोर्ट की जमीन के साथ में दुष्यंत चौटाला ने अपनी कंपनी के जरिए काफ़ी जमीन इकट्ठी की है और वो भ्रष्टाचार में शामिल हैं और उन्होंने दुष्यंत चौटाला को सरेआम चोर कहा। दुष्यंत चौटाला ने अभय चौटाला के आरोपों का करारा जवाब देते हुए कहा कि ये आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट के साथ लगते रास्ते के ऊपर दोनों तरफ सरकारी जमीन है, ऐसे में अभय चौटाला के आरोपों में कोई दम नहीं है और उन्होंने स्पीकर से उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने का आग्रह किया और इंक्वायरी बिठाने की मांग की। यानी विधानसभा में एक बार फिर अभय सिंह चौटाला सिर्फ आरोप लगाते हुए आए, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं था और दुष्यंत चौटाला ने उनका करारा जवाब देते हुए एक बार फिर अभय सिंह चौटाला पर भारी पड़ गए और उन्होंने अभय सिंह चौटाला को खामोश कर दिया। अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के बीच में चल रही इस खींचातानी के बारे में अंदरूनी खबरों को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।